हेलो सलाम नमस्ते। पिछले वीडियो में आपने देखा मनाली के स्नो पॉइंट गुलाबा के बारे में थोड़ा सा बेसिक इन्फो, और अभी जो व्यू आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं ये गुलाबा से नीचे उतरते टाइम का है। हालांकि उतरते टाइम तक अच्छी खासी धूप निकल आई थी, तो सफ़ेद बर्फ़ पे सुनहरी धूप की चमक है, बड़ी निराली थी। खैर, ये ट्रिप अभी ख़त्म नहीं होती है मेरे दोस्त, अभी हम जा रहे हैं कहीं और अब हम जहाँ जा रहे हैं उस जगह का नाम है नेचुरल ब्यूटी कसौल। कसौल को इंडिया का मिनी इसराइल भी बोलते हैं, और ऐसा क्यों ये जब आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखकर आप अपने आप ही समझ जाएंगे कि उसे ऐसा क्यों कहते हैं। पार्वती रिवर के चारों तरफ बसा हुआ ये छोटा सा शहर बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा है। अगर आप मनाली आए हो और अगर आप थोड़े एडवेंचरस टाइप के इंसान हो तो कसौल इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस फॉर यू, क्योंकि कसौल में आपको जितने भी एडवेंचर्स हैं, कैंपिंग, ट्रैकिंग, ये सारी चीज़ें आपको उधर बहुत अच्छे से मिल जाएंगी। और जो व्यू आपको होगा जब आप उधर पार्वती रिवर साइड कैंप साइड जाओगे, वहाँ पे एक साइड आपको नदी बह रही होगी, आप कैंप्स में स्टे करोगे। और हाँ, नेटवर्क का थोड़ा इश्यू रहता है तो अपने घर वालों को पहले ही इन्फॉर्म कर देना, नहीं तो बहुत परेशान होते हैं पेरेंट्स, आप तो जानते ही हैं। और अगर घर वालों के साथ हो तो दोस्तों को इन्फॉर्म कर देना, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और एक चीज़ और है कि पहाड़ों में जब आप जाते हो, जब तक दिन रहता है मौसम बहुत अच्छा रहता है, बट जैसे ही शाम होती है अचानक से वेदर एकदम से चेंज हो जाता है और बहुत ठंडी पड़ने लगती है। मतलब एकदम ठंडी ठंडी हवाओं की आंधी चलने लगती है अचानक से, तो अपने पास कपड़े गर्म वाले सारे अच्छे अच्छे रख लेना। और ये जो व्यू अभी आप देख रहे हो पीछे, ये इधर कसौल जाते समय का ही है। 2-2.5 घंटे की दूरी है बस मनाली से, अगर ट्रैफिक नहीं मिलता है तो, और अगर ट्रैफिक है तो आधा पौना घंटा और मान लीजिए। वैसे कसौल जाते समय आपको एक पड़ेगा मणिकरण गुरुद्वारा, जो यहाँ का बहुत फेमस गुरुद्वारा है, काफ़ी मानते हैं लोग इधर, तो आप मणिकरण गुरुद्वारा ज़रूर जाना अगर आप कसौल जा रहे हो तो। और कसौल से थोड़ा आगे साइड आपको 3 से 5 किलोमीटर चलना पड़ेगा, थोड़ी चढ़ाई, फिर आपको वहाँ पे उधर का फेमस हॉट वाटर स्प्रिंग मिलेगा। ठंडी ठंडे मौसम में जब आप गरम गरम पानी में हॉट वाटर स्प्रिंग में बैठोगे, वो मज़ा भाई साहब, वो बहुत ही अलग तरह का, अलग लेवल का मज़ा है। जेंट्स और लेडीज़ के लिए अलग अलग कुंड बने हुए हैं, लेडीज़ का थोड़ा कवर्ड है, तो वहाँ ज़रूर जाना। और अब चलते हैं कैंप साइड की तरफ, आपको दिखाते हैं। आई होप आपको कैंप्स दिख रहे होंगे, और ये हमारा कसोल का कैंप स्टे है। ये इधर छोटे छोटे कैंप्स मिले हैं हमें नाइट स्टे के लिए। आपको यहाँ पे ब्लैंकेट वैंकेट सब बिछे हुए मिल जाएंगे, और ये नीचे पूरा, और इधर ये आपका बढ़िया सा व्यू है। इधर इधर यहाँ पे नेटवर्क, जहाँ पे इस वक्त हम लोग हैं कसौल में, इधर नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है। और जब आप इधर आओगे तो आप अपने फैमिली या फ्रेंड्स को पहले ही बता देना कि आप जितने भी दिन कैंप में रहने वाले हो, 1 दिन 2 दिन 1 रात, कि आप कांटेक्ट में नहीं रहोगे, क्योंकि इधर बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं रहता है। पीछे इधर रिवर साइड भी है, अभी अंधेरा हो गया है तो। और बाकी ये कैंप मैंने आपको दिखाए, ऐसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे कैंप्स, एक बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है कैंप्स में रुकने का, और ख़ासकर तब जब आप अपने दोस्तों दोस्तों के साथ हों। फैमिली के साथ होने का अलग ही मज़ा है, तो हर मज़ा लेना चाहिए। पता है इधर कैंप्स में रहने का जो सबसे अच्छा वो रहता है मेन एजेंडा, जब आपका नेटवर्क नहीं होता है तो आप 1 दिन या जितने भी टाइम के लिए आप कैंप में हो, आप अपने फ़ोन से एकदम डिसकनेक्टेड होते हो। फिर ये होता है ना कि किसी को भी कोई जल्दी नहीं होती कि हाँ मुझे ये स्टोरी अपलोड करनी है, मुझे ये करना है वो करना है, तो 4 फोटोज़ खींच लेते हो आप, और फिर वो आपका मी टाइम होता है, आप अपने दोस्तों के साथ हो, सबके साथ हो। और जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर माइनस में चल रहा है इस समय यहाँ पे, और हवा से इतनी तेज़ हवा चल रही है, बर्फीली हवाएं, कि ये पूरे टेंट के ये हिल रहे हैं हवा से, और हवाओं की सनसनाहट की आवाज़ आपके कानों में ऐसे एकदम सुना, ऐसे ही पूरी रात भरी हवाओं की सनसनाहट आपके आसपास आती रहेगी और आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। तो एक बार जब भी आप मनाली आओ, तो मनाली से ज़्यादा दूर नहीं है, बस 1.5 घंटे की दूरी पर कसौल, ज़रूर आना और एंजॉय। सुबह हो गई मामू मामू, और ये जो पीछे व्यू आप देख रहे हो ये है हॉट वाटर कुंड का, जहाँ डुबकी मार के हम लोग अभी अभी निकले हैं। और ये है हमारे कैंप साइट का सुबह सुबह का दिल को सुकून देने वाला नज़ारा।
भी ये ट्रिप ऑलमोस्ट ख़त्म होती है और अब समय आ गया है वापस जाने का। बट वापस जाने से पहले आपको दो बातें बतानी ज़रूरी हैं। पहली कि अगर आपके अंदर भी शॉपिंग का कीड़ा है तो आपको ये बता दूं कि मनाली माल रोड से जब आप शॉपिंग करने जाओगे, अगर आप दिल्ली साइड से हो और अगर आप कभी पालिका बाज़ार या किसी भी लोकल मार्केट गए हो, सरोजनी अट्टा वगैरह, तो आपको पता होगा कि वहाँ पे जो सामान मिलता है उसका काफ़ी कुछ सिमिलैरिटी इधर के मार्केट की चीज़ों से है। रेट्स वगैरह भी वो आपको वैसे ही डबल ट्रिपल बताएंगे, तो आपको बार्गेन करना आना चाहिए अच्छे से, वरना आपकी जेब तो कटी हुई है समझ लेना। और दूसरी बात ये है कि हम लोग एक ट्रैवल एजेंसी के थ्रू बुक करके गए थे बहुत सारी सोशल मीडिया पे अलग अलग सर्च वर्च मारने के बाद। सो हमारा आना जाना, मनाली में स्टे, कुल्लू में स्टे, फिर देन कसौल में कैंप स्टे, सब मिलाकर हमें 8 तक का बजट पड़ा था। उसमें सारा टोल टैक्स, पेट्रोल, एवरीथिंग वाज इंक्लूडेड, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। सो अगर आप ऑन द स्पॉट जाके बुक करते हो तो मेरे ख्याल से आपको 1,500 रुपये कम ही देना पड़ेगा। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके ग्रुप में कितने लोग हैं, कैसे कैसे लोग जा रहे हैं, तो उस हिसाब से आप चाहे किसी ट्रैवल एजेंसी वाले से बुक करवाओ, चाहे खुद से बुक करके जाओ, जैसे भी जाओ एक बार ज़रूर जाओ, मस्ती करो, इन्जॉय करो और उसके बाद वापस आके अपनी डेली लाइफ में बिज़ी हो जाओ। So stay happy, stay safe and have fun.